Good morning, students. Myself Rajiv Trivedi. Today I am going to teach civics, a branch of SST. My first chapter is democracy. डेमोक्रेसी प्रजातंत्र वह सिस्टम जिसमें पीपुल के हाथ में ज्यादा पावर होता है, वो ज्यादा पावर को एंजॉय करता है और इस तरह से वो जो गवर्न करता है निसंदेह पीपुल के लिए फेवरेबल होता है। डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे डिफिनेशंस बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातंत्र वह सिस्टम है जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही बनाया जाता है और पीपुल के को इसमें बहुत ज्यादा राइट्स भी मिलता है। अगर हम ध्यान देकर देखें तो यह जो गवर्निंग फॉर्म है यह जनता के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल। जहां तक इसके हम टाइप्स की बात करेंगे, ये मेनली दो तरह की होती है। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, वो डायरेक्टली मीटिंग्स में भाग लेता है, अपने लिए लॉ बनाता है और वह लॉ उसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन आज इतने बड़े बड़े देश हैं, यहां पर यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो संभव नहीं है। तो दूसरा टाइप जो उसका सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री इंडिया में भी यही सिस्टम है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम सबसे पहले इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव और जो हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बदले कंट्री को गवर्न करते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं और वह भी हमारे लिए फेवरेबल ही लॉ बनाते हैं, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स उन्हें भी मेरे पास आना पड़ता है, हम सबों के पास आना पड़ता है। अगर वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो आफ्टर 5 इयर्स हम उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये जो रिजेक्शन का डर है वो उनके लिए हम सबों का सबसे बड़ा अंकुश होता है, वो हमारे फेवरेबल ही काम करते हैं, कभी भी हमारे अनफेवरेबल वर्क नहीं करते। जहां तक गवर्निंग सिस्टम की बात है तो हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, हमारी कंट्री ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया है और आजकल के ज्यादातर देशों ने इस सिस्टम को फॉलो किया है। क्यों? क्योंकि गवर्निंग की तो बहुत सारी फॉर्म है, मिली है मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है। मोनार्की राजतंत्र, राजा राज करता है, राजा अच्छा भी हो सकता है, राजा अच्छा नहीं भी हो सकता है, हमारे फेवरेबल वर्क कर भी सकता है, हमारे फेवरेबल वर्क नहीं भी कर सकता है। नहीं, बहुत सारे राजाओं की कहानी आपने भी सुनी होगी, नहीं हम लोगों ने पढ़ी है, इस बात को समझी है। और दूसरा जो फॉर्म है जिसको हम लोग डिक्टेटरशिप के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं तानाशाही शासन, एक डिक्टेटर एक तानाशाह अपने शक्ति के बल पर फोर्सिबली पावर को होल्ड करता है और उसके द्वारा जो लॉ बनती है वो जनता के लिए फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि वह उन्हीं लॉज का निर्माण करता है जो उसके लिए फेवरेबल होती है, जो उसके लिए अच्छी होती है। और तीसरा जो फॉर्म है डेमोक्रेसी, ये तो जनता के द्वारा चुने गए इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा बनाई जाती है, तो यह सिस्टम सबसे बढ़िया काम करती है। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र वह सिस्टम है जो पीपुल को ज्यादा राइट देती है, पीपुल अपने राइट को इंजॉय करता है, वो फ्रीली अपने फेवरेबल वर्क को डिसाइड करता है, अपने हिसाब से एजुकेशन को पाता है और इसमें जितना राइट्स है पीपुल के पास उतना किसी दूसरे फॉर्म में नहीं है। तो आज हम इतना ही जवाब जानकारी देंगे और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके।